आज समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स, रिटायर्ड अन्य कर्मचारी, स्कॉलर्स, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो 5 अगस्त 2019 को कहते थे कि यहाँ तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। अभी 15 अगस्त को इस तिरंगा यात्रा के दौर ने दिखाया तिरंगा पकड़ने वाले हाथ भी बहुत हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर देश की सेवा करने वाले हाथ भी बहुत हैं। अभी तक तो राज्य में चुनाव ही बीडीसी डीडीसी के हुए हैं और जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो लोग 280 सीट भी नहीं लड़वा पाए। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी पर इस बात के लिए कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और मीडिया जगत को भी चुनावी आंकड़ों और कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी पैन जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा दल डीडीसी के चुनाव में बनकर निकली है। लोकसभा में हम नहीं जीते, विधानसभा में हम नहीं जीते, फिर भी चाहे कश्मीर हो, चाहे पुंछ हो, चाहे जम्मू के हिस्से हो, हर जगह पर गरीब मां की रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। पाइप्ड वाटर पहुंचाने के लिए गंदरबल और श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पहले डिस्ट्रिक्ट बने हैं जहां पर 100% पाइप्ड वाटर पहुंचाने का काम हुआ है, जबकि हमें लोकसभा में वहां वोट नहीं मिले थे। तो मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहते हैं तो उसका अर्थ ये है कि हम देश के हर आदमी के लिए, देश के हर मजहब को फॉलो करने वाले के लिए, देश की हर व्यक्ति के लिए जो भारत माता को अपना देश मानता है उसकी सेवा के लिए काम करेंगे बिना किसी वोट और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के। इसलिए जब हमने इतने बड़े काम करके दिए हैं, जब किसान सम्मान निधि का पैसा किसान के खाते में जाता है, जब पहले 2.5 मकान मिला करते थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, अब हर गरीब को मकान मिलने का काम बिना भेदभाव के हो रहा है, जनता भी इस बात को देख रही है। जनता भी इस बात को देख रही है कि कैसे ओबीसी का हमारा कोटा, उसके ऊपर ओबीसी समाज को किस प्रकार से छला गया है, कैसे देश में जो ओबीसी कैटेगरीज के लोग हैं उनके ओबीसी सर्टिफिकेट यहां पर नहीं बनाए गए, क्योंकि वो लोग अपने परिवारों के साथ राजनीति करके उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहते थे। आज जिस बच्चे को जामिया में कश्मीर से दाखिला लेने जाना है उसको तो सोशली इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड सर्टिफिकेट मिलता है जो जामिया में दाखिले के लिए योग्य नहीं है। तो अगर उन सबको न्याय दिलाना है तो ये न्याय केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत व्यापक समर्थन मिलेगा। देखिए, हमें किसी से डर नहीं है। आप ही ने अभी एक सवाल में पहले पूछा, आपकी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो हमें क्या डर है। डर उन लोगों को है जो हमारे बढ़ोतरी देखकर डर रहे हैं। मैंने आपसे बताया ना, जनता अब जान गई है कैसे 370 के नाम पर हमारे ओबीसी स्टेटस को छीना गया। मैं बार बार इस सवाल को मैं आप ही से सवाल करता हूं, कोई नाई, धोबी, तेली, इस वर्ग में काम करने वाले लोगों के राजनीतिक अख्तियारों को, उनके सोशल अख्तियारों को, उनके बैकवर्ड स्टेटस को यहां क्यों लागू नहीं किया गया। आज उनके लागू होने का रास्ता खुला है जो भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जरिए मिलेगी। हम उनके हकों के लिए, हम उन समाज के हकों के लिए जो 27-28 समाज ओबीसी कैटेगरी में इस राज्य में चिन्हित किए गए हैं, उनको उनके हक क्यों नहीं मिल रहे हैं। कश्मीर में रहने के बाद वो हक जो नहीं दे रहे हैं, डर उनको है क्योंकि वो अपने परिवारों के लिए, वो अपने चेलों के लिए, अपने मुलाजिमों के लिए राजनीति करते थे। उनको डर है कि पहले बायकॉट की कॉल करो, कुछ 100 वोट लेकर, कुछ 1000 वोट लेकर सांसद और विधायक बन जाओ। अब वो दौर खत्म हो रहा है। मोदी जी के शासनकाल में बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है, उस बड़ी पार्टिसिपेशन के चलते वो लोग घबराए हुए हैं। और रही बात आजाद साहब की, आजाद साहब ने जिंदगी में कभी भारतीय जनता पार्टी पे फूलों की वर्षा नहीं की है,
इसलिए वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है, हम जनता की सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे और देखेंगे कि जनता सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास पे मोहर लगाएगी या इन लोगों की विभाजनकारी नीतियों पर मोहर लगाएगी। देखिए देश में एक कानून है, उस कानून के मुताबिक जो भी सामान्य सिटीजन है उसको वोट मिलना चाहिए। आप 1948, 1950, 1952 के आसपास हमारे वाल्मीकि भाइयों को यहाँ लाए, उनके बच्चों की पढ़ाई के बाद उनको नौकरी नहीं देंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, और देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट टू फ्रेंचाइज का अधिकार देता है, क्यों नहीं मिलना चाहिए उन्हें अधिकार? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मानवीयता है? क्या ये इंसानियत है? आप लगातार उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इसलिए इन सबके खिलाफ वो इन सबसे घबराए हुए हैं, इसलिए तरह तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, हमारा फौजी भाई यहां आकर देश की सेवा करता है, तो अगर वो सामान्य सिटीजन 5 साल का यहां है, वो वहां वोट करने की जगह यहां करे, बाद में फिर वहां चला जाएगा। इन सब बातों से वो विमर्श को, नरेटिव को बदलना चाहते हैं। नरेटिव ये है, जिन लोगों को उनके अख्तियार नहीं मिले, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जिन ओबीसी बहन भाइयों को उनके अख्तियार नहीं मिले, जिन वाल्मीकि भाइयों को, जिन गोरखा भाइयों को उनके अख्तियार, उनकी ताकत, उनका राइट टू फ्रेंचाइज नहीं मिला है, उन सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे बताइए, उन सबको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर आज उन्हें अख्तियार मिल रहा है तो उन्हें अपने पैर के नीचे से जमीन सरकती दिख रही है। जो लोग अपने को मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी कहते थे वो 280 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए थे, इसको याद रखना है। स्टेटमेंट में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह कहा है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं ये मोदी है तो ही मुमकिन है कि जिस चीज का उद्घाटन हम, जिस चीज की नींव हम रखते हैं उद्घाटन भी हम करते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जी लाल किले से और गृह मंत्री जी संसद के पटल पर कह चुके हैं, इसमें किसी को शक नहीं होता। थैंक यू सर।